महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई को टिकट दिया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के फलतड़ विधानसभा क्षेत्र से अठावले ने दीपक निकालजे को टिकट दिया है। बता दें कि छोटा राजन फिलहाल जेल में बंद है। आरपीआई एनडीए में शामिल है। सीट बंटवारे के तहत अठावले की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। कल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इससे पहले दीपक निकालजे ने मुंबई के चैम्बूर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। आरपीआई के एक सीनियर नेता ने कहा, इस बार उन्होंने फलतड़ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि वो उस इलाके से आते हैं और उनका वहां अच्छा संपर्क है। पश्चिमी महाराष्ट्र के अलावा सोलापुर जिले के माशिरस, नांदेड़ जिले के भंडारा और नायगांव, परभणी में पाथरी और मुंबई में मानखुद्र शिवाजी नगर सीट से आरपीआई अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही उधर आज शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट के लिए नामांकन भरा। वे अपने पूरे परिवार के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। वे ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ उनके चाचा राज ठाकरे ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे ने पार्टी के बाकी नेताओं के साथ मिलकर आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार ना देने का फैसला किया है।